इतिहास के पन्नों से। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में 2 नवंबर किस तरह दर्ज हुआ। सन 1774 में अंग्रेज अधिकारी कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड में आत्महत्या की। सन 1834 में एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था, जिसे वहां अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1885 में पहले मराठी संगीत नाटककार बलवंत पांडुरंग किर्लोस्कर यानी कि अन्ना साहब का निधन हुआ। सन 1950 में आज के दिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का 97 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। 1984 में अमेरिका में 1962 के बाद पहली बार एक महिला वेलमा बाफील्ड को फांसी की सजा दी गई। सन 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खराब सोलर पंखों को ठीक करने के बाद डिस्कवरी यान के यात्री धरती पर सुरक्षित लौटे। सन 2008 में केंद्र सरकार ने आज के दिन सेवानिवृत्त के बाद पेंशन फंड से धन निकालने की सुविधा को समाप्त किया। ये थी बातें इतिहास के पन्नों से। सुनते रहिए 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज़।